छतरपुर में पुलिसकर्मियों पर पथराव का मामला है। आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान को गिराने की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एडीएम और एएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद है। छतरपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय पुलिस कर्मियों पर पथराव का मामला, कल आपने देखा था किस तरीके से पुलिस थाने पर पथराव कर दिया था। कुछ लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया था, जिसमें टीआई सहित, थाना प्रभारी सहित दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। और पुलिसकर्मियों पर पथराव के मामले में आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान को गिराने की कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से बुलडोजर के जरिए, जेसीबी मशीन के जरिए मकान को तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। एडीएम और एएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात था। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है कल की, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पथराव हुआ था। एफआईआर भी हुई थी, थाने में पथराव हुआ था और जमकर हंगामा कर दिया था। मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ पर, हालात बेकाबू हो गए थे और जमकर पत्थरबाजी हुई थी, पथराव हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और एक तस्वीर है आज की, जब मकान को जमींदोज किया जा रहा है आरोपी के। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी सुबोध त्रिपाठी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, एक्शन का रिएक्शन हमें अब देखने को मिल रहा है। कल जो एक्शन हुआ था, पुलिस थाने में पथराव हुआ था, उसका रिएक्शन ये है कि आरोपी के मकान को जमींदोज किया जा रहा है। सुबोध में, कल बुधवार को एक बड़ी घटना हुई थी, जो बुधवार थाना क्षेत्र में पथराव हुआ था, क्योंकि उसमें टीआई जख्मी हुए थे, साथ पुलिस भी जख्मी हुए थे। और आज अब उनमें भी आरोपी बनाए गए हैं, मामला पंजीकृत किया गया है। उसके जो आरोपी है शहजाद हाजी, उनके घर पर आज, आप हमारे कैमरों के पीछे देख रहे होंगे, हमारे पीछे दिख रहा है ये आलीशान जो बिल्डिंग है, वो इसमें ही ये कार्रवाई की जा रही है। और ये आलीशान बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है, ये शहजाद हाजी का है, जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भी है, और उनका ये आज मकान जो है वो धराशायी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन और पुलिस की टीम सुबह से ही इस मकान की दफाई कर गई थी, और इस पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और ये लगातार जारी है। यहाँ पर एडिशनल एसपी और एडीएम के नेतृत्व में ये मकान गिराने की कार्रवाई चल रही है। और निरंतर अभी एसपी अगमजन का भी कहना है कि जो ऐसे माफिया हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से ये मकान निर्मित किए गए हैं या साथ ही जमीन पर निर्मित किए गए हैं, उन सभी के विरुद्ध ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल सुबोध, क्या केवल आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान को ही जमींदोज किया जाएगा या फिर कई और आरोपी बनाए गए हैं जिनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होगी? सुबोध जी बिल्कुल, इसमें एफआईआर जो दर्ज है उसमें 46 नामजद आरोपी हैं, बाकी 150 अन्य आरोपी हैं, और ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और जो है एक पे एक जेसीबी भी आ रही है, एलएनटी मशीनें आ रही हैं, जल्दी जल्दी इन मकानों को गिराया जाएगा। एक ही नहीं, अनेक लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्या पता आज जो एक मकान गिर रहा है इसकी और भी संख्या बढ़ जाए। बिल्कुल सुबोध, हम देख रहे हैं आरोपियों के मकान तो जमींदोज किए ही जा रहे हैं, आगे भी किए जाएंगे, आप जैसे संकेत यहाँ पर दे रहे हैं, संकेत जैसे मिल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है क्या? अभी कोई मतलब आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस गिरफ्त में है क्या, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताइए सुबोध। अभी तक जो जानकारी लगी है पुलिस के द्वारा, रात को लगभग 10 पार्टियों के द्वारा रेड की गई है, अनेक अनेक घरों में रेड की गई है, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा औपचारिक रूप से ये नहीं बताया गया कि किनको गिरफ्तार किया है, लेकिन लगभग 35 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुबोध, हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से सख्त आदेश हैं, जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों के जो अवैध मकान हैं वो जमींदोज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर ही सुबोध ये कार्रवाई हो रही है? तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री के सख्त एक्शन हुआ है, और मुख्यमंत्री ने एक जो कल एक्ट पर ट्वीट भी किया है, उन्होंने किया है कि ऐसे आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए जो अमन चैन मध्य प्रदेश का बिगाड़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश जो है शांति का टापू है, यहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देती है, ऐसे आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार ने साफ संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं कि अगर अमन चैन को ख़राब किया जाएगा, शांति को भंग किया जाएगा मध्य प्रदेश की, तो ऐसी ही कार्रवाई, कठोर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका सुबोध, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।